नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। करीब 900 अवैध गर्भपात कराने के आरोप में डॉक्टर और हेल्पर गिरफ्तार। राहुल गांधी ने डिलीवरी बॉय ऑटो ड्राइवर से हैदराबाद में की मुलाकात, पूछा हाल। बिहार में छुट्टियों पर जेडीयू बीजेपी के नेता भिड़े। सिलकाया सुरंग से आज बाहर आ सकते हैं मजदूर, परिजन तैयार। मुंबई में नौसेना की ट्रेनी अग्रवीर युति ने लगाई फांसी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बेंगलुरु पुलिस ने एक डॉक्टर और उसके हेल्पर को पिछले 3 साल में करीब 900 अवैध गर्भपात कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर चंदन बल्लाल और उनके लैब टेक्नीशियन निसार प्रत्येक गर्भपात के लिए कथित रूप से 30,000 रूपये लेते थे, जिसे वे मैसूर जिला मुख्यालय में एक अस्पताल में अंजाम देते थे। पुलिस ने यह भी बताया कि अस्पताल की प्रबंधक मीना और रिसेप्शनिस्ट रिजमा खान को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मैसूर के निकट मंड्या के जिला मुख्यालय में पिछले महीने लिंग पहचान एवं महिला भ्रूण हत्या रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए शिवालिंगे गौड़ा और नयन कुमार नामक दो आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब वे एक गर्भवती महिला को गर्भपात के लिए कार में लेकर जा रहे थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि मंड्या में गुड निर्माण इकाई को अल्ट्रासाउंड केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां से पुलिस की टीम ने बाद में स्कैन मशीन जब्त की और इसके लिए उनके पास कोई वैध प्रमाण पत्र या अन्य आधिकारिक दस्तावेज नहीं था। उन्होंने कहा, शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि पिछले 3 साल में आरोपी चिकित्सक ने अपने सहयोगियों की मदद से मैसूर अस्पताल में करीब 900 अवैध गर्भपात कराए और हर गर्भपात के लिए वे 30,000 रूपये शुल्क लेते थे। उन्होंने कहा कि इस रैकेट में शामिल अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच जारी है। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में फ्री हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। सुप्रीजा हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज किया जाएगा। जहीराबाद में एसपी प्रत्याशी जंगम गोपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस हॉस्पिटल में सभी चिकित्सा बिना किसी मूल्य के होगी। जिसके पास यह कार्ड रह गया उनको फ्री होगा। इस कार्ड को बनने की लास्ट डेट 23 नवंबर 2023 को होगी। जहीराबाद से कैमरामैन नेमतुल्ला के साथ संवाददाता रिस्पान की रिपोर्ट। के लिए हमारा माइनॉरिटी लोगों के जहीराबाद के लिए फ्री में करने के लिए तैयार, और इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू सुप्रजा मैनेजमेंट और इतना ఇంత పెద్ద సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే కనీసం సంవత్సరానికి 2 కోట్ల రూపాయలు దాదాపుగా వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టాల్సింది ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది చాలా పెద్ద నిర్ణయం. ఇలాంటి నిర్ణయము ఎవరైనా మన నియోజకవర్గంలో మన ప్రజల కొరకు ఇంతవరకు ఎవరు చేయనటువంటి నిర్ణయం. కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళటువంటి కాదు, ఇంకా రేపు 30 తారీఖు వరకు ఎవరైతే ఆధార్ కార్డుతో వచ్చారో వాళ్ళందరికీ కంప్లీట్గా ఉచిత వైద్యం మేము ఆ కార్డ్స్ ఈరోజు నుంచి 30 తారీఖు వరకు కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం. ఇది యాక్టివేట్ అయ్యేది 6 డిసెంబర్ అంబేద్కర్ వర్ధంతి నుంచి ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది. క్రమంలో చావు బతుకుల మధ్య నుండి కరోనా సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి ఆక్సిజన్ పైన ఉన్నప్పుడు గోపన్న దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నా నువ్వు టెన్షన్ పడకన్నా తగ్గిపోతుంది, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అని చెప్పినప్పుడు ఈరోజు ఆర్థికంగా వెసులుబాటు అయిన నాకు ఇంత ప్రాబ్లం ఉంది అంటే పేద ప్రజలకి ఆర్థిక ఇబ్బందులలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తే ఇలాంటి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి వచ్చి ఎలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారో నాకు అర్థం కావట్లేదు, చాలా బాధగా ఉంది. నేను సామాజిక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజలకి సామాజిక ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలని నేను రాజకీయాలలోకి వచ్చాను, కానీ ఈరోజు వైద్యం కూడా పేదవాళ్ళకి అందకుండా ఉంది అని బాధపడుతున్న తరుణంలో హాస్పిటల్ జనరల్ మేనేజర్ सब लोग यहाँ पे आए, सबका शुक्रिया. गौर से आप हम लोग थोड़े बातें बताएंगे आप लोगों को, आप गौर से सुनिए. ये हमारे हॉस्पिटल की तरफ से गोपनाथ साहब की तरफ से हम लोग यहाँ पे आपके लिए बात करने के लिए आए हुए हैं. पहली बात तो गोपनाथ साहब हमारे को ये मौका दिए, थैंक यू वेरी मच. हम लोग यहाँ पे
आए हुए हैं आप लोगों को हमारे हॉस्पिटल में जो जो ये है वो सब चीज़ समझाने के लिए आए हुए हैं। और दूसरी बात है हमारे MD साहब आए हुए हैं और हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं। पहली बात तो क्या है बोले तो आपको सबसे पहले ये आइडियोलॉजी आने का मकसद क्या है मैं आपको तफसील से बताऊंगा। फर्स्ट हमारे पास गोपाना साहब जब एडमिट हुए हमारे पास उनका थोड़ा प्रॉब्लम था तो उन्होंने एडमिट के जब भी यहाँ के लोगों के बारे में उन्होंने सोचे अरे भाई मैं यहाँ पे हूँ नेक्स्ट क्या होगा। तेलंगाना में चुनाव को देखते हुए CIC माहौल गर्म है। हैदराबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने डिलीवरी बॉय सैनिटरी वर्कर्स ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की। इस दौरान उनकी कमाई पूछी और उनकी जरूरत को लेकर बात की। इन लोगों ने राहुल गांधी से अपील है कि उन्हें PF बीमा समेत कर्मचारियों को मिलने वाली दूसरी सुविधाओं की मांग की। ऑटो ड्राइवर की मांग है कि उन्हें हैदराबाद में ₹5 प्रति किलोमीटर है जिसे 8 से 10 किलोमीटर करने की बात कही है। वहीं डिलीवरी बॉय ने राहुल से कहा कि उन्हें सरकार बाइक मुहैया कराए। उत्तरकाशी के सिलकारिया सुरंग के बाहर हलचल तेज हो गई है। रेस्क्यू टीम मजदूरों से महज 5 मीटर की दूरी पर है। रेट होल माइनर्स ने 4-5 मीटर की खुदाई कर ली है। खुदाई पूरी होने के बाद इसमें 800 मिमी व्यास का पाइप डाला जाएगा, इसे ही मजदूर बाहर आएंगे। इस बीच 41 मजदूरों के परिजनों को तैयार रहने और मजदूरों के कपड़े और बैग तैयार रखने को कहा गया है। मजदूरों को रेस्क्यू करने के बाद उन्हें तुरंत चिन्नालिसौड़ अस्पताल ले जाया जाएगा जहां बेड पहले से तैयार है। एम्बुलेंस और बाकी जरूरत के सामान भी सुरंग के पास मौजूद है। इस बीच सिलकायरा में बारिश शुरू हो गई है, ऐसे में बचाव अभियान में जुटी टीमों को भी परेशानी हो सकती है। बता दें कि आज राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों उत्तरकाशी चमोली और पिथौरगढ़ में कहीं कहीं हल्की और गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। 3500 मीटर के अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है। मुंबई में नौसेना में अग्निवीर के लिए प्रशिक्षण ले रही एक 20 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। एक अधिकारी के अनुसार घटना के समय महिला INS हमला में प्रशिक्षण ले रही थी। मुंबई के मालवाणी पुलिस के मुताबिक इस मामले में AGR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं युवती की आत्महत्या के मामले में बताया जा रहा है कि युवती का किसी के साथ प्रेम संबंध था। वहीं प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, इसी से युवती परेशान थी। वहीं प्रेम संबंध ठीक नहीं होने की वजह से युवती ने बेडशीट की मदद से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। बिहार के स्कूलों में जन्माष्टमी, शिवरात्रि की छुट्टियां खत्म किए जाने और ईद बकरीद की बड़ी छुट्टियों पर सियासत गर्म है। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाई है और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। स्कूलों में हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में भारी कटौती की गई है और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, वे सड़कों पर उतरेंगे। इसके जवाब में JDU नेता नीरज कुमार ने कहा शबे बारात की छुट्टियां घटाई गई है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। हिंदुओं की छुट्टियों में कोई कटौती नहीं की गई है। जिन छुट्टियों को बढ़ाया गया है उसका कारण शिक्षा विभाग ही स्पष्ट कर सकता है। इसे राजनीतिक चश्मे से देखने से अच्छा होगा कि शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण देखने के बाद वक्तव्य दे। पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों के लोगों को बुधवार को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इन इलाकों में रोहिणी सेक्टर 7, 8, 9, 11, 13, 22, 23 और 25, मधुबन चौक, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, GAH 19 पश्चिम विहार, मेजर भूपेंद्र सिंह नगर,
महावीर नगर, कृष्णा पार्क, जनकपुरी शामिल है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक बुधवार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। दरअसल कोशपुर ड्रेन और पीरागढ़ी चौक की पाइपलाइन को केशवपुर ड्रेन और पीरागढ़ी चौक की पाइपलाइन को जोड़ने का काम चल रहा है, इसलिए पानी रोका गया है। यहां तक कि पानी आने के बाद भी गुरुवार की सुबह तक पानी का प्रेशर कम रहेगा। अब दिल्ली वालों को उम्मीद है कि हल्की बारिश के बाद ठंड भी बढ़ेगी और प्रदूषण के स्तर में भी कमी आ सकती है। उधर दिल्ली में बारिश का असर उड़ानों पर भी पड़ा है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा है। खराब मौसम के चलते आईजीआई एयरपोर्ट पर परिचालन प्रभावित हुआ है। खबर है कि गुवाहाटी से दिल्ली जाने वाली विस्तार की उड़ान UK-742 को खराब मौसम और एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंजेक्शन के चलते जयपुर की ओर मोड़ दिया गया है। इसके साथ ही कोलकाता से दिल्ली जाने वाली विस्तार की अन्य उड़ान UK-778 को भी लखनऊ की ओर मोड़ दिया गया। कांग्रेस ने बालाघाट जिला निर्वाचन अधिकारी पर पोस्टल बैलेट खोलने का आरोप लगाया गया है। MP में 17 नवम्बर को विधानसभा चुनाव हुए थे, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और स्ट्रांग रूम से पोस्टल बैलेट बाहर ले जाने और कदाचार में शामिल होने के आरोप में बालघाटा कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने प्रक्रिया पर बात हो गई है। एक इजरायली मां का हमास को लिखा भावुक पत्र इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। हमास के नाम लिखा गया यह पत्र मां डेनियल अलोनी द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। मां डेनियल को उनके 5 वर्षीय बेटी एमिलिया के साथ गाजा में 49 दिनों तक हमास द्वारा बंधक बनाकर रखा गया था। 24 नवंबर को इसराइल और हमास के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौते के हिस्से के रूप में इसराइली मां और बेटी को रिहा कर दिया गया। जैसे ही डेनियल अलोनी अपनी बेटी एमिलिया के साथ निकलने वाली थी, उन्होंने हमास के लिए एक हार्दिक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, वह हाल के हफ्तों में उनके साथ आए जनरलों को धन्यवाद देती है। अपने पत्र में उसने यह भी लिखा, आप उसके लिए माता पिता की तरह थे। जब भी वह चाहती थी उसे अपने कमरे में आमंत्रित करती थी। वह महसूस करती है कि आप सभी उसके दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि वास्तव में प्यारे और अच्छे हैं। उनके पत्र में आगे लिखा था, बच्चों को कैद में नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन आपका और रास्ते में मिले अन्य लोगों का धन्यवाद। मेरी बेटी को गाजा में एक रानी की तरह महसूस हुआ। उन्होंने अपने पत्र के अंत में कहा, मैं हमेशा कृतज्ञता की कैदी रहूंगी, क्योंकि वह आजीवन मनोवैज्ञानिक आघात के साथ यहां से नहीं गई थी। मैं आपके दयालु व्यवहार को याद रखूंगी, जिस कठिन परिस्थिति से आप जूझ रहे थे और गंभीर नुकसान के बावजूद यहां दिया गया था। आपको यहां गाजा में कष्ट सहना पड़ा। काश इस दुनिया में हम वास्तव में अच्छे दोस्त बन पाते। सोमवार शाम को दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद न सिर्फ दिल्ली में ठंड बढ़ गई है बल्कि इससे दिल्ली में प्रदूषण में कमी आने की संभावना है। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी इंडेक्स AQI भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक जल्द ही सर्दी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग IMD ने दिल्ली में 27 नवम्बर को बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान और तिब्बत के साथ पापुआ न्यू गिनी में मंगलवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि सुबह 3:16 पापुआ न्यू गिनी के उत्तरी तट पर रिक्टर पैमाने पर 6.5 तीव्रता का तेज भूकंप आया। वहीं तिब्बत के जीजांग में सुबह 3:45 पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। उसके साथ ही पाकिस्तान में भी मंगलवार को सुबह 3:38 पर रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर 7.0 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप खतरनाक श्रेणी में रखा है। वहीं ये भी बात है कि भूकंप की अधिकतम तीव्रता का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। बता दें कि पिछले कुछ समय में भूकंप के झटकों की संख्या काफी तेजी से आगे बढ़ी है, जिसकी वजह से विभिन्न जगहों पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। विश्व के अग्रणी धूम्रपान विरोधी कानूनों के न्यूजीलैंड की योजना को रद्द कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड की नई सरकार ने यह फैसला लिया है। क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इसकी पुष्टि की है। इस कदम को तंबाकू उद्योग के लिए एक बड़ी जीत बताया गया है। क्रिस्टोफर लक्सन ने अपनी कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी के चुनाव जीतने के 6 सप्ताह बाद कार्यभार संभाला। क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि वह मुद्रास्फीति पर काबू पाने और ब्याज दरों को कम करने को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि वह पिछले साल अपनाए गए तथाकथित पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध को खत्म कर देंगे। 2008 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर रोक लगता है।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। करीब 900 अवैध गर्भपात कराने के आरोप में डॉक्टर और हेल्पर गिरफ्तार। राहुल गांधी ने डिलीवरी बॉय ऑटो ड्राइवर से हैदराबाद में की मुलाकात, पूछा हाल। बिहार में छुट्टियों पर जेडीयू बीजेपी के नेता भिड़े। सिलकाया सुरंग से आज बाहर आ सकते हैं मजदूर, परिजन तैयार। मुंबई में नौसेना की ट्रेनी अग्निवीर युति ने लगाई फांसी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेशों के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।